गया था और 22 के करीब जो हॉस्पिटल में है कुछ तो मामूली चोट और कुछ को गंभीर चोट आई है जिसके लिए, लेकिन एक जरूर बात है जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो कॉन्ट्रैक्ट को दिए थे और कॉन्ट्रैक्टर ने बेदरकारी जिस तरीके से मेंटेनेंस किया कि नहीं किया उसकी बाद में FSA और ये पूरी पुलिस प्रक्रिया है वो आने वाले दिन में खबर पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने अपनी हाथ को उठाते हुए अभी तक तो ये बताए हैं कि जिस तरीके से जो हमने कॉन्ट्रैक्टर को दे दिए, लेकिन कुछ ही दिन पहले इनके ही क्षेत्र में एक कॉन्ट्रैक्टर के राइट्स जो है सुभाष ब्रिज पर जब लिफ्ट के द्वारा उनको पब्लिक को उतारा गया था उससे भी उनको सबक लेना चाहिए था, लेकिन सबक नहीं लिए और ये घटना बहुत बड़ी रूप ले लिया और इस घटना में 2 आदमी मर गए हैं। लेकिन सरकार ने कहीं ना कहीं शक के घेरे में जरूर है और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बेदरकारी तो दिख रही है, लेकिन ये गुजरात के लिए बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात है कि कल ही के दिन में गौरी व्रत जो बच्ची लोग का एक उपवास होता है उसका भी एक प्रोग्राम कल से ही शुरू हुई थी और ये तो अच्छी बात है, बहुत कमी और बहुत ही सूझबूझ के साथ देखा गया है। लेकिन आने वाले दिन में अगर ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सबक नहीं लेती है तो ये बड़ा हादसा में अगर बदल जाए तो कोई छोटी बात नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने अभी तक ये बताया है जो कि हम जो भी कायदा का प्रक्रिया है हम करेंगे और यहाँ के गुजरात के CM भी रूपाणी साहब ने जरूर बताए हैं, आश्वासन दिए हैं कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। यहाँ पे गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा भी जी आए थे और यहाँ पे बताया है कि जो भी कार्रवाई होगा वो तुरंत किया जाएगा, कोई भी बेदरकारी नहीं रखी जाएगी और उसके FSL टीम भी आ चुकी है और काफ़ी इंक्वायरी भी हो रही है। लेकिन शक के घेरे में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जरूर है, क्योंकि ऐसी घटना बार बार होती रहेगी तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पर से जनता का विश्वास उठ जाएगा। काकरिया से अहमदाबाद से ललित चौधरी।